इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जामात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने एजाज अनवर चौहान को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि एजाज अनवर चौहान ने जवाब जमा न कराया तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात हासिल करेंगे फौजिया से। बताएगा फौजिया जी, बिल्कुल भाई, इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज चौहान ने जिम्मेदारियों में वक्त जो है वो बरती है और उस पर जो है भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी है और उनको वक्त दिया है 10 रोज का कि वो तहरीरी जवाब जो है वो अपने दिफा में जमा करवाएं। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी खास यह थी कि इलेक्शन कमीशनर हफीज खुशाब उसामा अहमद अली के बैनों ने मुल्क रवानी को सुबाई इलेक्शन कमीशन ने छुपाया। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ने खुशाब बगैर एनओसी के कैनेडा गए और खुशाब की कैनेडा की रवानगी का सुबाई इलेक्शन कमीशनर को इल्म था। हम इंतखाबात से पहले इलेक्शन ऑफिसर्स बैरून मुल्क गए और बैरून मुल्क जाना सुबाई इलेक्शन कमीशन की कोताही को जाहिर करता है। उसके साथ साथ उसामा अहमद अली की हज रवानगी के मुताबिक एनओसी की दरखास्त को 22 दिन क्यों रोका गया और बजाय सुबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज खान खान ने सुपरवाइजर किरदार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके साथ साथ सुबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब की अदम तवज्जो की वजह से इलेक्शन 2024 की साख को जो है वो मुतासिर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात हासिल करेंगे फौजिया से। बताएगा फौजिया जी, बिल्कुल भाई, इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज चौहान ने जिम्मेदारियों में वक्त जो है वो बरती है और उस पर जो है सुबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी है और उनको वक्त दिया है 10 रोज का कि वो तहरीरी जवाब जो है वो अपने दिफा में जमा करवाएं। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी खास यह थी कि इलेक्शन कमिश्नर हफीज खुशाब उसामा अहमद अली के बैनों ने मुल्क रवानी को सुबाई इलेक्शन कमीशन ने छुपाया। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ने खुशाब बगैर एनओसी के कैनेडा गए और खुशाब की कैनेडा की रवानगी का सुबाई इलेक्शन कमीशनर को इल्म था। हम इंतखाबात से पहले इलेक्शन ऑफिसर्स बैरून मुल्क गए और बैरून मुल्क जाना सुबाई इलेक्शन कमीशन की कोताही को जाहिर करता है। उसके साथ साथ उसामा अहमद अली की हज रवानगी के मुताबिक एनओसी की दरखास्त को 22 दिन क्यों रोका गया और बजाय सुबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब एजाज खान खान ने सुपरवाइजर किरदार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके साथ साथ सुबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब की अदम तवज्जो की वजह से इलेक्शन 2024 की साख को जो है वो मुतासिर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात हासिल करेंगे फौजिया से। बताएगा फौजिया जी, बिल्कुल भाई, इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज चौहान ने जिम्मेदारियों में वक्त जो है वो बरती है और उस पर जो है सुबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी है और उनको वक्त दिया है 10 रोज का कि वो तहरीरी जवाब जो है वो अपने दिफा में जमा करवाएं। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी खास यह थी कि इलेक्शन कमीशनर हफीज खुशाब उसामा अहमद अली के बैनों ने मुल्क रवानी को सुबाई इलेक्शन कमीशन ने छुपाया। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ने खुशाब बगैर एनओसी के कैनेडा गए और खुशाब की कैनेडा की रवानगी का सुबाई इलेक्शन कमीशनर को इल्म था। हम इंतखाबात से पहले इलेक्शन ऑफिसर्स बैरून मुल्क गए और बैरून मुल्क जाना सुबाई इलेक्शन कमीशन की कोताही को जाहिर करता है। उसके साथ साथ उसामा अहमद अली की हज रवानगी के मुताबिक एनओसी की दरखास्त को 22 दिन क्यों रोका गया और बजाय सुबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब एजाज खान खान ने सुपरवाइजर किरदार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके साथ साथ सुबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब की अदम तवज्जो की वजह से इलेक्शन 2024 की साख को जो है वो मुतासिर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात हासिल करेंगे फौजिया से। बताएगा फौजिया जी, बिल्कुल भाई, इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज चौहान ने जिम्मेदारियों में वक्त जो है वो बरती है और उस पर जो है सुबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी है और उनको वक्त दिया है 10 रोज का कि वो तहरीरी जवाब जो है वो अपने दिफा में जमा करवाएं। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी का हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी खास यह थी कि इलेक्शन कमिश्नर हफीज खुशाब उसामा अहमद अली के बैनों ने मुल्क रवानी को सुबाई इलेक्शन कमीशन ने छुपाया। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर ने खुशाब बगैर एनओसी के कैनेडा गए और खुशाब की कैनेडा की रवानगी का सुबाई इलेक्शन कमीशनर को इल्म था। हम इंतखाबात से पहले इलेक्शन ऑफिसर्स बैरून मुल्क गए और बैरून मुल्क जाना सुबाई इलेक्शन कमीशन की कोताही को जाहिर करता है। उसके साथ साथ उसामा अहमद अली की हज रवानगी के मुताबिक एनओसी की दरखास्त को 22 दिन क्यों रोका गया और बजाय सुबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज खान खान ने सुपरवाइजर किरदार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके साथ साथ सुबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की अदम तवज्जो की वजह से इलेक्शन 2024 की साख को जो है वो मुतासिर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी।